नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया है 50 से ज्यादा बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में। सीबीआई का आरोप है कि आरोपी इंजीनियर राम भवन 10 साल से ज्यादा वक्त से ये हरकत कर रहा था। वह न सिर्फ बच्चों का यौन उत्पीड़न करता था बल्कि इसकी तस्वीरें और वीडियो डार्क नेट के जरिए दुनिया भर के पीडोफाइल्स यानी बच्चों का यौन शोषण करने वालों को बेचता भी था। राम भवन चित्रकूट में सिंचाई विभाग में इंजीनियर है। आज तक की रिपोर्ट में सीबीआई अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि जिन बच्चों का उत्पीड़न हुआ उनकी उम्र 5 से 16 साल के बीच है। ये सभी बच्चे बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर जिले के आसपास के हैं। इंजीनियर राम भवन को चित्रकूट से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई कोर्ट से उसकी रिमांड मांगेगी ताकि उसके नेटवर्क में और कौन कौन शामिल हैं इसका पता लगाया जा सके। ये भी पता लगाया जा रहा है कि मासूम बच्चों के अश्लील वीडियो कौन खरीदता था। सीबीआई के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से बांदा, चित्रकूट और उसके आसपास के इलाकों से 10 से 15 साल के बच्चों के यौन शोषण की कई शिकायतें आई थी। ये भी पता चला था कि यौन शोषण के साथ साथ बच्चों के अश्लील वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री डार्क वेब के जरिए इंटरनेट पर अपलोड की गई। डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा होता है जहां पॉर्न कंटेंट के अलावा दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां भी होती हैं। खास सॉफ्टवेयर के जरिए ही इसे एक्सेस किया जा सकता है। सीबीआई ने जब राम भवन के ठिकानों पर रेड डाला तो 8 मोबाइल फोन और 8 लाख रुपए कैश के अलावा भारी मात्रा में बच्चों के यौन उत्पीड़न से जुड़े मटेरियल बरामद हुए। उसने रिकॉर्डिंग को मोबाइल, लैपटॉप, स्पाई कैमरे और पेन ड्राइव में रखा हुआ था। इनके अलावा उसके पास सेक्स टॉय, तमाम पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड भी मिले। सीबीआई के मुताबिक आरोपी के ईमेल से यह भी खुलासा हुआ है कि वह न सिर्फ भारतीय बल्कि कई विदेशी नागरिकों के भी संपर्क में था। कई सालों से बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो बेच रहा था। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यह जूनियर इंजीनियर पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट्स पर बच्चों से दोस्ती करता था। राम भवन ने पूछताछ में बताया कि वह बच्चों को मोबाइल, महंगी घड़ी, विदेशी चॉकलेट आदि का लालच देकर अपने पास बुलाता था। हरकत के वक्त ध्यान रखता था कि बच्चे किसी तरह का शोर न मचा पाए। सीबीआई ने बच्चों से जुड़े मामलों की जांच के लिए एक विशेष यूनिट बना रखी है। यह यूनिट लगातार इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्न से जुड़ी एक्टिविटीज पर नजर रखती है। जनवरी में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ओर से जारी डेटा के मुताबिक हर रोज औसतन 100 बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। यह पिछले साल के मुकाबले 22% ज्यादा है। यूपी में 2023 केसों के साथ पूरे देश में चाइल्ड रेप के केसों के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये जानकारी आप तक लेकर आए थे हमारे साथी अमित। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी ललन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, ललन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए ललन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, ललन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी ललन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।